क्यों इतने विवादों के चलते भी भोजपुरी की सभी हीरोइनों की पहली पसंद पवन सिंह है। जी हाँ, पवन सिंह के साथ कई विवाद जुड़े हैं। विवाद ऐसे, अगर उन्हें सुन लिया जाए तो कोई भी हीरोइन उनके साथ काम करना नहीं चाहेगी, क्योंकि जिस तरह के विवादों का सामना, जिस तरह के आरोपों का सामना पवन सिंह ने पिछले दिनों में किया है, उसके बाद तो उनके साथ कोई भी हीरोइन काम करने से कतराएगी। लेकिन भाई, सब कुछ जानते हुए भी भोजपुरी की सारी हीरोइनों की पहली पसंद पवन सिंह क्यों है, तो चलिए बताते हैं कि भोजपुरी की कौन कौन सी ऐसी हीरोइनें हैं जिनके साथ पवन सिंह ने काम किया और फिर वो दोबारा उनके साथ काम करना चाहती हैं, और कौन सी ऐसी हीरोइनें हैं जो एक बार उनके साथ काम करने के लिए मरती हैं। तो हम शुरुआत करेंगे रानी चटर्जी से। जी हाँ, रानी चटर्जी भोजपुरी में काफ़ी लंबा समय बिता चुकी हैं और अब भोजपुरी में वो फिर से उतनी ही बिजी हैं जितनी आजकल की नई हीरोइनें। वैसे आपको बता दें कि रानी चटर्जी ने भोजपुरी के तकरीबन सभी हीरो के साथ काम किया है, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है काम करने में तो पवन सिंह के साथ। हाँ, ये बात और है कि वो पवन, खेसारी, निरहुआ तीनों की फिल्में नहीं देखती, लेकिन उन्हें इन तीनों में से किसी को चुनना पड़े तो वो कोई और नहीं पवन सिंह होगा जिनके साथ वो काम करना चाहती हैं। अब बात कर लेते हैं आम्रपाली दुबे की। तो भाई, आम्रपाली दुबे भी भोजपुरी की उन हीरोइनों में से हैं जिन्होंने कामयाबी का मजा रातों रात चखा है, और वो भी पवन सिंह के साथ। वैसे इन दोनों की जोड़ियों को गाने में बहुत ज्यादा पसंद किया गया है, ये बात और है कि इनका कोई भी करिश्मा नहीं चल पाया। लेकिन अगर आप आम्रपाली दुबे से पूछे कि निरहुआ को छोड़कर वो किसके साथ काम करना चाहेंगी, तो उनका पहला आंसर होगा कि कोई और नहीं पवन सिंह। अब बात कर लेते हैं गार्गी पंडित की। तो गार्गी पंडित ने तो खुले तौर पे कहा है कि पवन सिंह उनका क्रश थे, और वो जितनी बार भी उनके साथ फिल्मों में काम की हैं उनका एक्सपीरियंस सबसे बेहतरीन रहा है। उनका कहना है कि पवन से आप पंगा मत लीजिए, पवन आपको कभी कुछ नहीं कहेंगे। ठीक यही कुछ कहना है संभावना सेठ का। संभावना सेठ कहती हैं कि पवन सिंह बच्चा है, अगर आप उनके साथ अच्छे से हैं तो वो बहुत अच्छा है, वरना अगर आप उनके साथ बुरे से हैं तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। यानी कि आप अगर भोजपुरी की हिस्ट्री उठा कर देखें, भोजपुरी हीरोइनों की हिस्ट्री उठा कर देखें, एक नहीं अमूमन हम आपको कई ऐसे नाम बता देंगे जो पवन सिंह के साथ बार बार फिल्में करना चाहती हैं। उनमें काजल राघवानी भी सबसे ऊपर हैं। खेसारी के बाद वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पवन सिंह के साथ काम करने में होती हैं। और फिर अब नई हीरोइनों की बात कर ले, फिर वो चाहे मणि भट्टाचार्य हो या फिर हो प्रियंका रेवड़ी, सभी पवन सिंह के साथ फिल्मों में काम कर रही हैं और अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हुए सभी का कहना है कि सेट पर बहुत ही कंफर्टेबल फील कराते हैं पवन सिंह। न जाने पवन सिंह को लेकर कहां कहां से अफवाहें उड़ती हैं। अब भाई, अगर आप अक्षरा के पक्ष से देखने जाएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन भोजपुरी की दसों ऐसी हीरोइनें हैं जो पवन सिंह के साथ दोबारा काम करना चाहती हैं या काम करने के लिए वो एक मौका ढूंढ रही हैं, लेकिन उन्हें वो मौका भले से अभी नहीं मिला हो, लेकिन काम वो पवन सिंह के साथ ही करना चाहती हैं। तो भाई, आप ये समझ चुके होंगे, नेम फेम के लिए सब कोई चाहता है कि पवन सिंह के साथ जुड़े, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान का व्यवहार भी होता है, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के कुछ नेचर्स तो उन्हें अच्छे ही लगे होंगे कि दोबारा उनके साथ काम करने के लिए हर हीरोइन मरती है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।